हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल कुकिंग विद सुजाता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मैरिनेटेड मशरूम, इस जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और विटामिन से भरपूर है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं, तो चलिए बनाने से पहले मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल आइकन का बटन है, आप उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने कौन कौन से सामान लिए हैं उसे हम देख लेंगे। मैरिनेटेड मशरूम बनाने के लिए हमने लिए हैं 400 ग्राम मशरूम, जिसे हमने गर्म पानी में 2 से 3 बार धुल करके अच्छी तरीके से साफ़ करके हमने रख लिया है। इसके बाद हमने 2 बड़े टमाटर रफली चॉप करके रख लिया है। फिर हमने थोड़ी सी लहसुन की पत्तियां ली हैं, जिन्हें बारीक काट लिया है। थोड़े से हमने धनिया के पत्ते लिए हैं। 4 से 6 हमने हरी मिर्च ली है, जिसे बारीक काट लिया है। हरी मटर के हमने दाने लिए हैं 1 कप। 2 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल लिया है और 2 बड़े प्याज लिए हमने। उसके बाद हमने खड़े मसाले में 2 से 3 हमने तेज पत्ते लिए हैं। 1 हमने बड़ी इलायची ली है। 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। 2 हमने लौंग ली है और 1 छोटी इलायची ली है। उसके बाद हमने पाउडर में धनिया पाउडर हमने लिया है मसाले में 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके बाद आइए हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो दही हमने ली है 100 ग्राम। उसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी धनिया, 1/2 टेबल स्पून है। नमक हमने 1/2 टेबल स्पून है और हल्दी हमारी 1/2 टेबल स्पून है। लाल मिर्च का पाउडर हम 1/2 टेबल स्पून है और एक बड़ा चम्मच हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसाले हमारे सब वही हैं। तो आइए अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल लिया है इसमें। अब लाल मिर्च का पाउडर हम डाल देंगे। धनिया हम पाउडर थोड़ा सा डाल करके और थोड़ा रख देंगे, हम इसे सब्जी में ऐड करेंगे। और हमने हल्दी भी थोड़ी सी डाली है। अब हम इसमें दही ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने दही डाल दी है। दही डालने के बाद इसमें हम अब थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। तो ये हमने थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मशरूम में सारे मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। तो ये देखिए हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो नमक आप स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें, क्योंकि सब्जी में भी आगे हम ऐड करेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे मशरूम के बराबर ही नमक डालेंगे। तो अब हम इसमें दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसे 30 मिनट के लिए
मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो 30 मिनट बाद हमारे ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल हम थोड़ा सा और भी डालेंगे क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। 400 ग्राम हमारा मशरूम है तो इसी हिसाब से हम तेल थोड़ा सा और ले लेंगे। अब मशरूम को हम इसमें डाल देते हैं मैरिनेट किए हुए, और इन्हें धीरे धीरे करके फ्राई कर लेंगे। तो इसे अब हम थोड़ा सा चला देते हैं। तो 5 मिनट हमारा हो चुका है और ये तेल थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो अब बस थोड़े से 2-3 मिनट में ये हमारा फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा बढ़िया से मशरूम फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से तेल निकाल के अब एक प्लेट में हम रख लेंगे। इस तरह से हमने सब निकाल लिया है। नीचे हमने नैपकिन रख लिया था ताकि हमारा जो भी तेल थोड़ा सा जो ज़्यादा है वो इसमें एब्जॉर्ब कर ले। अब इस तरीके से हम नैपकिन को फोल्ड करके इसके ऊपर से चिपका देते हैं ताकि सारा तेल इसमें से निकल जाए। ये देखिए, तेल हमारा निकल रहा है। कढ़ाई हमने दूसरी ले ली है, आप चाहे तो वही रख सकते हैं। हमने 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें तेज पत्ते डाल दिए हैं। उसके बाद हमने प्याज डाल दी है। प्याज को हमने बहुत ही बारीक काटा है, तो अब हम इसे चला करके अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम ब्राउन होने तक कुक करेंगे। प्याज हमारा अच्छा से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए, हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। थोड़ा सा हम इसे और करेंगे। तो इससे पहले हम अदरक और जो हमने हरा लहसुन के पत्ते लिए थे और थोड़े से जो खड़े मसाले लिए थे उसे सब हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे चला करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी ले ली है, थोड़ी सी धनिया है, 1/2 टेबल स्पून से कम हमारी धनिया है, और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च हमने डाल दी है इसमें। उसके बाद हमने
थोड़े से धनिया के पत्ते भी ले लिए हैं। तो अब हम इसे चला करके मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, फिर से हम इसे मिक्स कर देंगे। ये हमने हरी मटर के दाने लिए हैं, वो हम दाने इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो 5 मिनट हमारा हो चुका है, तो सब्जी वगैरह हमारी हल्की हल्की सी पक चुकी है। थोड़ा सा समय हमें और लगेगा, तो इसे हम मिक्स कर चुके हैं। अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। तो नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेट करते हुए मशरूम में नमक डाला था। तो ये हमारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे ढक करके 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो देखिए, टमाटर वगैरह सब हमारा अच्छी तरह से गल गया है और मटर भी हो गई है। अब हम इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। आप अपनी हिसाब से, जितनी ग्रेवी आप चाहते हो उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि पानी इसमें ज़्यादा ना ऐड करें। अब हम इसमें मैरिनेट की हुई मशरूम डाल देंगे। उसके बाद फिर से इसे ढक करके एक उबाल आने तक कुक कर लेंगे। तो देखिए, एक उबाल आ चुकी है हमारी। फिर से हम इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो हमारी मैरिनेटेड मशरूम बन करके अच्छी तरह से तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो मैरिनेटेड मशरूम हमारे बन करके तैयार हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये खाने में। इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है और आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।